क्या आपने कभी सोचा है कि आप कैसे अपने सिंपल से फोटो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं? आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ 50 रोमांटिक पीएनजी फ्रेम ओवरले, जिनको आप वैलेंटाइन डे या इस तरह के और इवेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं या ऐसा लव या कपल फोटोज में भी यूज कर सकते हैं। सो चलिए फिर देखते हैं इन 50 रोमांटिक पीएनजी ओवरले का इस्तेमाल का कमाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल डीजी पिक को जरूर विजिट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ के बेल आइकन में प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियोज आपको आसानी से मिलती रहे और आप देख सके, डाउनलोड कर सके और सीख सके एवरीथिंग फोटोग्राफी डिजाइनिंग एवरी डे। जो आज आपको ओवरले मिल रहे वो कुछ ये है, बहुत ज्यादा जबरदस्त और अमेजिंग। ये आप देख सकते हैं 50 ओवरलेज है, ये फ्रेम है, पीएनजी फ्रेम है। आप किसी भी फोटोशॉप या ऑनलाइन या फोटो लैब या इस तरह के एप्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये है 50 और इनका मैं साइज भी आपको बता दूं, 59 MB का है, 59.4 MB के अंदर पीएनजी फॉर्मेट्स में है। इनको डाउनलोड करना बहुत ज्यादा इजी है, आप जाना हमारी वेबसाइट पे digipic.com, आपको अभी तक भी नहीं पता तो जरूर विजिट करें और जरूर इसको विजिट करते रहा करें। यहाँ पर ही आपको ये पोस्ट शो हो जाएगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे कि ये ओवरले इस तरह से आपको पोस्ट मिल जाएगा, आप लिंक पे जाएंगे तो इस तरह से सारा इसका डिस्क्रिप्शन आपको शो होगा, इसका फोटो शो होगा, उसके बाद में कुछ और हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट ये भी आप देखना चाहे यहाँ पर इसकी वीडियो भी दे रखी होगी, इसको भी आप वॉच करना चाहे तो देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। लोग अक्सर क्या करते हैं, वीडियो नहीं देखते, डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वो प्रॉब्लम आती रहती है। इसलिए यहाँ पर आपको इस तरह का डाउनलोड लिंक मिलेगा, जस्ट आपको डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करना है, सीधा आप जाएंगे गूगल ड्राइव पे, आपको फालतू किसी भी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जैसे आप यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अक्सर लोग यहीं पर रोक के मुझे कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो कुछ और हो ही नहीं रहा, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड एनीवे और डाउनलोड स्टार्ट। पहले नंबर पर ऐसे स्टार्ट हो जाएगा या ऐसा कुछ आए डाउनलोड एनीवे, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, वो भी फुल स्पीड के अंदर जितना भी आपका नेट का स्पीड रहेगा। ओके, तो मैं फिलहाल इसको पोस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास तो पहले से डाउनलोड है। सो इस पोस्ट के नीचे कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। मैं ये फोटो ओपन करता हूँ, इसके अंदर हम लाते हैं कुछ ऐसा ही। अब ये देखेंगे इसके अंदर ये जैसा यहाँ पर फोटो हमारा लग रहा है उसी टाइप से देखें, बहुत ज़्यादा प्यारा ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरली हमें ये हमने पूरी सजावट की हो, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा चीज़ लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्रेमिंग में, लव फ्रेम और यहाँ पर एक वैलेंटाइन डे के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे ये आप चीज़ देख सकते हैं, वैलेंटाइन डे के लिए हम इसको ऐसा ही हम फ्रेम बना सकते हैं। इस पूरे फोटो को आप क्रॉप कर सकते हो बाद में, जितना आपको फ्रेम वगैरह चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं ज़बरदस्त। तो मैं जस्ट एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि कितने चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर आइडिया के तौर पे दे दूँ कि जैसे कि ये फ़ोटो हमें शो हो रहा है कुछ ऐसा, तो आपने इसको एज अ बैकग्राउंड शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर लेना है, यहाँ पर आपको क्लिक होना चाहिए, ब्रश प्रेस होना चाहिए और उसके बाद यहाँ से आप इसको रेज कर दो। ठीक है, ये देखो यहाँ से आप रेज करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसके बैकग्राउंड से ही ये चीज़ शो हो रही है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फिर प्यारा लगेगा ना कि कुछ ऐसा। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर ये चीज़ है, तो ये चीज़ भी आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट लगेगा ऐसे ऐसे किसी भी फोटो पे ऊपर। जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे ये सब आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड ये लास्ट चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ और इसके साथ में मैं एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। ये देखें बहुत ही ज़्यादा प्यारा जो है वो हमें ये चीज़ मिल रही है। ठीक है, कुछ ऐसा भी हम एग्जाम्पल के तौर पे रखना चाहे तो रख सकते हैं, है ना। ये चीज़ थोड़ा और छोटा यहाँ पे, यस प्यारा लग रहा है यहाँ पे, है ना, अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप ब्रश लें, यहाँ से लेयर मास्क अप्लाई करें और यहाँ से आप इसको रेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत प्यारा लगेगा। ओके, तो मतलब यहाँ से ऐसा कुछ शो हो रहा है। ओके, अच्छा, उसके बाद मैं जो एग्जांपल आपको देने चाहता था इसमें, वो आपने इसी जो हमारी लेयर है पीएनजी वाली, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाइए और यहाँ से भी आप इसके ऊपर ड्रॉप शैडो वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड में कुछ भी। और उसके बाद आप कलर ओवरले में जाएंगे तो आपको कुछ भी और कलर देना है इसमें तो भी आप दे सकते हो, जैसे कि ग्रीन, रेड और भी, और इसके ब्लेंडिंग मोड्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लाइक दिस ये चीज़।
जैसे कि कोई भी और कलर ऐसे 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 तो वो सब भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ या इसी का बिल्कुल कलर ही आपको चेंज करना है पीएनजी का, तो इसके साथ में आपको एचयू सैचुरेशन में आप जा सकते हैं। ये मैं आपको दे रहा हूँ प्रो टिप जो आपको एक बहुत काम आएगी। तो उसके बाद एचयू सैचुरेशन को आप राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करें, यहाँ से आप जो भी कलर चेंज करेंगे वो वहाँ में हमें शो होगा। तो आप अपने जो है वो कलर थीम के हिसाब से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये ना आप ढूंढते रहो कि भाई सेम हमें कलर मिलेगा तो ही हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाते, ठीक है। तो हमें ये भी अच्छा लग रहा है ये चीज़, ठीक है, तेज़ हल्का वो सब आप करना चाहे तो कर सकते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग होगा, ठीक है। तो मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया इसमें। ओके, लास्ट में मैं एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि मैं यहाँ से इसको इसके जो मास्क है उसको मैं लेयर मास्क को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, जैसे कि नीचे वाला फ़ोटो है इसके ऊपर मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक करके एच सैचुरेशन, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद इसी के मास्क पे अप्लाई करता हूँ ब्रश, और यहाँ से मैं जब कुछ ऐसा करूँगा यस, तो इससे क्या है कि हमारा अंदर से कलरफुल शो होगा और बाहर से ब्लैक एंड वाइट, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा इफ़ेक्ट लगता है। तो उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त और अमेजिंग इफेक्ट होंगे आपके लिए, ये सारी फ्रेम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो बुरा लगे तो फिर भी आपने मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। तो आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है जो कुछ भी है तो ज़रूर अपने अपने राय दिया कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा प्यारे अमेजिंग हैं, इनको यूज़ कीजिए, अपने काम को और ज़्यादा प्यारा अमेजिंग बनाइए।